ये शमशान घाट है, चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें जल रही हैं। दिन हो या रात, इस शमशान घाट पर लाशें आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। हालत यह है कि अब शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। और यह है कोरोना की चौथी डरावनी तस्वीर। मुंह में ऑक्सीजन का पाइप लगा है, बगल में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है। जगह है नासिक का नगर निगम का दफ्तर। यह कोरोना पीड़ित है जो नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठा है। वजह है कि इस कोरोना पीड़ित को 3 दिन से बेड नहीं मिला। शरीर में ऑक्सीजन कम हुआ तो घर वाले उसे लेकर नगर निगम के दफ्तर ही चले गए और यहीं पर सब धरने पर बैठ गए। इसके बाद इस मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सके कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए मामले दर्ज हुए हैं। ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा केस है। तब एक दिन में 84,176 नए केस दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में कुल 469 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भी 117 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 5 दिसंबर 2020 को 482 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर देश पर भारी पड़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद लोग मानने को कहां तैयार हैं? मध्य प्रदेश के छतरपुर में आस्था के नाम पर धज्जियां उड़ रही हैं। यहां भागवत कथा के जरिए हजारों लोगों की भीड़ जुटाई गई है। हैरानी की बात यह है कि यह कथा छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के घर पर हो रही है और अगले 7 दिनों तक यहां ऐसा ही माहौल रहेगा। लोग भी कोरोना को भूल से गए लगते हैं। कुछ लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब है। डराने वाली बात यह है कि 7 दिनों तक ये भागवत कथा होगी, जिसमें कांग्रेस विधायक की विधानसभा के हर हिस्से से लोग आएंगे और जो लोग आ भी रहे हैं वो कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,546 नए केस आए हैं और 12 लोगों की मौत भी हुई है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी ये नहीं कहा गया है कि क्या क्या बैन कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। दुर्ग में 2 हफ्ते के अंदर ही 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दुर्ग की इन डरावनी तस्वीरों को अब जरा डिटेल में देखिए। जिले की ज्यादातर जगहें कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दी गई हैं। जिले में रोजाना कोरोना के हजारों की तादाद में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। लाशों को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ये तस्वीरें दुर्ग के मुक्तिधाम की, जहां लाइन से लाशें जल रही हैं और इन शवों को यहां पहुंचाने से लेकर जलाने तक का काम पीपी किट में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिलों में बढ़ते केस लॉकडाउन का इशारा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालत खराब है। यहां पिछले 24 घंटों में 43,183 नए मामले सामने आए हैं और 249 लोगों की मौत हुई है। भारत के कुल एक्टिव केस में से करीब 60% महाराष्ट्र में है। मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों को भी कोरोना हो गया है। एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, विक्रांत मेसी, मनोज बाजपेयी, बप्पी लहरी, तारा सुतारिया के बाद टीवी एक्टर रूपाली गांगुली भी कोरोना से संक्रमित हो गई है।
पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उनके कोरोना टेस्ट का ये वीडियो वायरल है, लेकिन आज खबर आई कि डॉक्टर की सलाह पर सचिन तेंदुलकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यह मुंबई में दादर की सब्जी मंडी है। मुंबई में एक दिन में 10,000 के करीब केस आ रहे हैं, लेकिन लोग कोविड के नियम मानने को तैयार नहीं है। जानकार भी कोरोना के इस बढ़ती रफ्तार से बहुत चिंतित है। नो डाउट केसेस बढ़ रहे हैं, काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर आप जो फर्स्ट वेव था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सेकेंड वेव आ चुका है। और जिस तरीके से कुछ स्टेट और उनमें भी कुछ सिटीज जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा चिंता का ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नए लोगों को हो रहा है इन्फेक्शन। देखिए, जो दूसरी वेव आ रही है, आपने देखा कि काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। और पहले थोड़ा जो प्रोग्रेशन था स्लो था, लेकिन इस बार काफ़ी स्टीप है, काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। और इस बार काफ़ी सारे यंग लोगों में भी ये बीमारी देखी जा रही है। सो दो चीज़ है कि मामले तो बढ़ रहे हैं, केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि मॉर्टेलिटी को हम कम रखें। कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ भी 4 महीने पहले की स्थिति आ गई है। दिल्ली में आज एक दिन में 3,594 नए मामले सामने हैं। इससे पहले 4 दिसंबर को एक दिन में 4,067 नए मामले आए थे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले डरा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कोरोना हो गया है। उन्होंने खुद फेसबुक के जरिए इसकी जानकारी दी। लिखा, दोस्तों, दुर्भाग्य से मैं कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आकर पॉजिटिव हो चुका हूं। हालांकि अभी तक कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की वजह से मैंने और प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि वो नेगेटिव आई हैं, शुक्र है कि इन दिनों बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक आपात मीटिंग की और फैसला किया कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन केजरीवाल ने यह सुझाव दिया है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए 45 साल की उम्र वाली शर्त हटा देनी चाहिए। केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3,000-4,000 केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1,700 के करीब पेशेंट थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे, तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हज़ारों हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई, तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए। ABP News, आपको रखे आगे।